एक ही पीछे आप ही देखिए तीन तलाक का जहाँ मसला है तो उसको तो हम लोग तीन तलाक को तो नहीं मानते हैं। जो शिया हजरात हैं, जो सूफी हजरात भी बहुत से लोग हैं, इसी तरह से सुन्नियों में अहले हदीस हैं, वो भी सुन्नी है वो, लेकिन तीन तलाक नहीं मानते हैं। कुछ लोग हैं जो मानते हैं, हनफी हजरात भी मानते हैं उसको, लेकिन हम लोग इसको कुरान मजीद के खिलाफ समझते हैं। और हम समझते हैं कुरान मजीद के खिलाफ जो भी बात है वो इस्लाम को नहीं, मुसलमानों को नहीं करना चाहिए उसे। तो ये इस तरह से कहते साहब वो हदीस है, हदीस हदीस आप कुरान के मुकाबले में कैसे पेश कर रहे हैं? जो कुरान ने साफ कह दिया कि गवाह होना चाहिए, गवाह होने से पहले आपस में मेल मिलाप होना चाहिए, उसके बाद दो गवाहों के बीच में वो तलाक पढ़ना चाहिए, और यहाँ आप टेलीफोन पर तलाक और टेलीग्राम के जरिए तलाक, खुला तलाक, खुला तलाक, और एक वक्त में तीन तलाक, ये सब जायज नहीं है, टोटल खिलाफ। लेकिन इसमें एक लेकिन भी है, लेकिन यह है कि ये खुद मुसलमानों को मामला हल करना चाहिए। इसमें हम नहीं चाहते गवर्नमेंट हस्तक्षेप करे, क्योंकि एक मरतबा अगर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप हो गया तो हर चीज में फिर उसमें अपनी टांग अड़ाएगी। लिहाजा हम गवर्नमेंट के हस्तक्षेप में कायल नहीं है। अगर ये तलाक सही नहीं है और हम समझते हैं कि तलाक गलत है और औरतों के ऊपर जुल्म है बहुत बड़ा, निर्णय मानते हैं सरकार के पक्ष में आप जो कानून लागू किया गया उसमें? देखिए हम ये कहते हैं कि नहीं, हम अब चाहते हैं कि मुसलमान जो आलिम है वो इसका फैसला करें और वो इनकी तरफ से फैसला आए, और वो इसको इश्तिहाद कहा जाता है, मैंने इस सिलसिले में इश्तिहाद करें वो, और मुस्लिम पर्सनल लॉ वो इश्तिहाद करें और इस कानून को बदले कि जो कुरान के अगेंस्ट है इसको कानून को बदले। ये पुराने जमाने में एक हुकूमत में हो गया था ये, उसके बाद से चलता चला आ रहा है, वरना रसूलुल्लाह के जमाने में तलाकें नहीं थी, इससे पहले उसके बाद भी कई साल गुजर नहीं थी, बाद में इसको लाया गया।